कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। किसान की बात कर लेते हैं, जरूरी है किसान की बात। ये बोले मैं सैफई में करोड़ों रुपया उड़ा के लोगों को डांस सिखाया जाता था। अगर सच में डांस सिखाया जाता तो अच्छी बात है, मैं मानता हूँ डांस सीखना चाहिए लोगों को। सर कुछ कमियां हैं तो अच्छा ही है। अभी सैफई में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। वहाँ पे मैं नहीं आता है कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है, वो समाजवादी पार्टी का कार्य है। अगर बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य किया हो तो हम वोट देंगे। 10 काम बता दें बीजेपी वाले, ये बता दो। अभी जो फौजी मरे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को घर में घुस के मारा गया है। कौन किसको मारा था भाई? आतंकवादियों को, जब अभी पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा जो हमला हुआ था वो किसके कारण हुआ था ये आप बताइए। पुलवामा जो हमला हुआ था वो आप बताइए। मोदी के कारण हुआ था क्या? मोदी ने आतंकवादी भेजे थे कि उड़ाओ फिर हम मारेंगे तुम्हें घर में घुस के? ये तो बता दो तुम, अब हमारा तो जवाब दो आप। सत्यपाल मलिक साहब जो है पहले उन्हीं के गवर्नर थे बीजेपी के, उन्होंने बोला था कि ये हमारी कमी है। बोला था उन्होंने कि नहीं बोला था? तो जब उनकी बात अगर मान लेते तो शायद ये हादसा टल जाता। हेलीकॉप्टर मांग रहे थे, नहीं दिया था टाइप का, ऐसा कुछ बोला था कि नहीं बोला था? मैंने सुना नहीं। अच्छा अब ये बात नहीं, एक सेकंड मैंने जितनी सुनी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना। अरे वो अपनी जानकारी सबसे बता रहा है सर। आज मैनपुरी में इतनी गुंडागर्दी नहीं है, पहले ये थी कि किसी ने बदतमीजी कर दी, तमंचे से उड़ा दिया गया। बीच रोड पे पहले मारा, पहले पुलिस ढीली डाली थी। आप बोले भाई लड़का कुछ बोल रहा है। पहले पुलिस ढीली डाली थी, पहले भी पहले ढीली डाली नहीं, अब ऐसी तैसी मार रही है। पहले कहीं बीच रोड पे कहीं भी कुछ बोला तो सामने एनकाउंटर कर दिया। अब थोड़ी सी सख्त हुई है पुलिस प्रशासन, थोड़ा सा सख्त हो गया है अभी। पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? देव यादव। देव कितना उम्र है तुम्हारा? 17। 17 कोई दिक्कत फंसे हो और लास्ट टाइम मर्डर कब देखे तुम सैफई में? सैफई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मैनपुरी की। अरे हल्ला सुनो जय हाल था, जहाँ भी देख ले आप था जय हाल था। तुम देखे हो, सुने हो मैनपुरी मर्डर वर्डर? हमने जहाँ तक अपने बुजुर्गों की सुनी है, यहाँ पे एक बार मेला लगा था, किन्नी में गोली मार दी गई थी। क्या उखाड़ लिया उस इंसान का? किसी ने कुछ नहीं कर पाया था। ऐसे तो डेली मर रहे हैं, उसके लिए क्या करो? कौन सी सरकार रोक लेती है? कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, ऐसे मर्डर तो होते रहते हैं। एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एक्शन ले रही है। एक्शन हुआ था क्या मणिपुर में? एक्शन हुआ था मणिपुर? मोदी जाए अपना कच्चा उतार के, सरकार लड़िया लेके मणिपुर में एक्शन हुआ था? मणिपुर में एक्शन हुआ था? अरे यार सुनो, ऐसा है सुनो। अरे सुनो, बहस में जो भी हो, मेरी बात सुनो, बहस में जो भी हो, घर जाके बढ़िया गरम पानी में नमक डाल के गुनगुना गरारा करना, ठीक है? अब मस्त गलगल गलगल एकदम गला गरम हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है? उससे अच्छा लगे। सीधा सीधा बेरोजगारी, बच्चों को काम मिलना चाहिए। 80 करोड़ को अनाज बांटने से कुछ नहीं होगा, 80 करोड़ को काम देने से होगा। मेन चीज ये, अनाज बांटने से कुछ नहीं होने वाला, आप काम लीजिए। सुन